मैं लैपटॉप सॉल्यूशन से आज मैं आपको एचपी का लैपटॉप में विंडोज 7 डालने का बताएंगे। पेन ड्राइव लगाया, उसके बाद बूट डिवाइस में गए, F9 से बूट डिवाइस में जाएंगे, उसके बाद पेन ड्राइव आपका का सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका विंडोज डालना चालू हो जाएगा। उसके बाद विंडोज 7 का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इसमें इंग्लिश रहेगा, उसके बाद इसमें नीचे में जो सेकंड नंबर में है उसमें कंट्री चेंज करना पड़ता है, इंडियन, इंडिया का ऑप्शन आएगा, इसमें इंडिया का ऑप्शन चेंज करेंगे। उस चेंज करने के बाद उसको ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हमको देखना पड़ता है कि 64 बिट डालेंगे या 32 बिट डालेंगे, तो इसमें हमको जो न्यू मॉडल है इसमें हमको 64 बिट डालेंगे। 64 बिट डालने के बाद इसमें नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसमें क्लिक करना होता है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस आइटम में क्लिक करके उसमें नेक्स्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे हार्ड डिस्क शो कर दिया, हार्ड डिस्क शो करने के बाद मेरा देखिए मेरा यहाँ पे सी ड्राइव जो 97 GB में शो करता है, उसके बाद मेरा डी ड्राइव 175 GB में शो कर रहा है और ई ड्राइव 192 GB में शो कर रहा है। तो मेरा सी ड्राइव मेरा विंडो का डाटा होता है उसको फॉर्मेट करेंगे, और इम्पोर्टेंट डाटा जो डी ई एफ में होता है उसको हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद हम उस पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मेरा सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम 7 डालने लगेगा। ये मेरा विंडो फाइनल डल जाएगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप में ये होगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप जिसे रीस्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा दूसरा स्टेप मेरा चालू हो रहा है, लैपटॉप ऑन हो गया, मेरा दूसरा स्टेप यहाँ पे चालू हो गया।